आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की दर 5.8% से घटकर 5% पर आ गई है। जीडीपी का ये पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। My own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई है। 3 साल पहले हुई नोटबंदी पर राज्यसभा में बहस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया था कि नोटबंदी से जीडीपी 2% गिर सकती है। शुक्रवार को आई चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की दर 5.8% से घटकर 5% पर आने से डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये बात एक बार फिर सही साबित हो गई। पिछले 6 साल का जीडीपी का ये सबसे निचला स्तर है। उधर जीडीपी में आई गिरावट को लेकर कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।